देश के प्रधानमंत्री आजकल G20 की बात कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। प्रधानमंत्री जुनैद और नसीर को, जितेंद्र मेघवाल को मारा और पीटा जा रहा है, कौन से विश्व गुरु की आप बात कर रहे हैं? कौन से विश्व गुरु की आप बात कर रहे हैं? G20 आप करिए, मुबारक हो आपको, हम भी चाहते अच्छा हो जाए, मगर देश की भी फिक्र करो मोदी जी। अब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पसमांदा मुसलमानों पे काम करो। देश के प्रधानमंत्री, फिर आपने मिरासियों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? मेवातियों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? ये हमारे भाई जो आज इस सरजमीन पर बसते हैं, उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? सिंधी जबान बोलने वालों से इंसाफ क्यों नहीं करते? और राजस्थान की सरकार ने तो रीट के एग्जाम में खाली 9 नौकरी दी है सिंधी जबान के लिए। अरे सिंधी जबान से नफरत क्यों है गहलोत जी और मोदी जी आपको? अरे नौकरी बढ़ाओ सिंधी जबान बोलने वालों को। अरे ये जबान बोलते सिंधी, मगर इनके दिल में धड़कता हुआ दिल है भारत के लिए, हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी इस देश में अंबेडकर के बनावे संविधान को खत्म करना चाहती है। बीजेपी नरेंद्र मोदी अंबेडकर के बनावे संविधान को कमजोर करके रखना चाहती है। आरएसएस तो शुरू से अंबेडकर के संविधान को नहीं मानती थी। इनके ऑर्गेनाइजर किताब निकाल कर आप मैं देख लो आप मैगजीन में क्या कहा था। गोलवालकर ने क्या कहा था कि अंबेडकर का संविधान नहीं, मनुस्मृति को मानने वाले हैं। इनको उस जमाने से भारत के संविधान से नफरत थी और रहे। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हां यह भी बात कि गगरिया में भारत माला प्रोजेक्ट में लोगों के घर चले गए और अभी तक केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार ने उनको पैसे नहीं दिए। हम डिमांड करते हैं कि भारत माला प्रोजेक्ट में जिनके घर और जायदादें गई हैं उनको पूरा का पूरा उनको उनका कंपनसेशन मिलना चाहिए। सिंधी जबान से इंसाफ होना चाहिए। और मैं आखिर में आपको एक बात बता रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए भाई 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 आए रुको, अभी आखिरी ओवर है, बैठो, मैच खत्म नहीं हुआ। आप हमारी बात को लिख कर रख लीजिए। मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कहा था, मगर उत्तर प्रदेश के दलित और मुसलमान ने ओवैसी की बात का यकीन नहीं किया। मैंने कहा था कि समाजवादी बीजेपी को नहीं हरा पाएगी, मगर मुसलमानों ने तय किया कि नहीं नहीं हम वोट देंगे। मैं ये कह रहा था कि अब मजलिस को कामयाब करो, अपने 4-5 विधायक को कामयाब करो जो जाकर लड़ेंगे आपके लिए। वक्त ने बता दिया कि मैंने सच बोला था। गुजरात में मैंने कहा था कि बीजेपी को ये कांग्रेस नहीं रोक पाएगी, आप मजलिस के विधायक को कामयाब करो। तो गुजरात के मुसलमानों ने मुझसे आकर कहा कि ओवैसी साहब, किसी ने बेटा कहा, किसी ने भाई कहा, मैं उनकी इज्जत को सलाम करता हूं कि नहीं नहीं हमको बीजेपी को हराना है। याद रखो, कांग्रेस में ताकत नहीं रही बीजेपी को हराने की, कांग्रेस में ताकत नहीं रही बीजेपी को हराने की। मैं सच कह रहा हूं, कहीं तुम भी गुजरात और उत्तर प्रदेश के मेरे उस पैगाम को अगर ठुकराओगे, ये तुम्हारा आपका अख्तियार है, कहीं नुकसान आपका और हमारा ना हो जाए। हमको अपनी आवाज को विधानसभा में पहुंचाना है। जब आपके वोटों से आपका लीडर बनकर विधानसभा में जाएगा तो वो लड़ेगा आपके लिए। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं नहीं हम 60 साल से कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, मत इस पुरानी आदत को तोड़ना पड़ेगा आपको, इस पुरानी आदत को छोड़ना पड़ेगा आपको, अब एक नई आदत को पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि आप और हमारा काम यह कि अपने नेता को पैदा करें, अपने लीडर को पैदा करें। अगर आप उत्तर प्रदेश और गुजरात की तरह
तजुर्बा करेंगे तो खुदा ना खास्ता नुकसान हमारा ना हो जाए। इसीलिए जुनैद और नसीर और जितेंद्र मेघवाल की रूह तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि अब 60 साल की गुलामी को छोड़ो, अब आजादी को इख्तियार करो और अपने लीडर को पैदा करो, अपने नेता को कामयाब करो और डालकर। तो मेरे इज्जतदार, मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप यहां पर आए, और इंशाअल्लाह ताला मैं आता था और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला आपके लिए। अल्लाह ने मुझे एक जिम्मेदारी, एक वक्त पर अल्लाह ने मुझे रखा है, मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। आप हमारा साथ दीजिए, अपने दिलों से डर को निकालिए और मजलिस के संगठन को मजबूत करिए, मजलिस के मेंबर बनिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।